हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं बिट्टू सिंह आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग रीजनिंग का एक पोर्शन पढ़ने वाले हैं, घड़ी। तो आइए जानते हैं घड़ी के बारे में, क्योंकि हर एग्जाम में रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से घड़ी से क्वेश्चन आता ही आता है। घड़ी से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि घड़ी होता क्या है, घड़ी का परिभाषा क्या है। घड़ी का परिभाषा यह है कि मिनट, घंटा और सेकंड के समय के अंतराल को जो भी मतलब परिभाषित करता है, वही क्या है, घड़ी है। घड़ी के मुख्य रूप से चार अवयव होते हैं, डायल, मिनट की सुई, घंटा की सुई और सेकंड की सुई। डायल उसे कहते हैं जो भी मतलब जो वृत्ताकार घड़ी हो, या फिर क्या बोलते हैं, स्क्वायर के रूप में घड़ी हो, उसके चारों तरफ की ऐसी पट्टिका जहां की एंगल, ऐसी पट्टिका जहाँ पे नंबर्स वो क्या होते हैं, अंकित होते हैं, उस पूरी पट्टिका को क्या बोलते हैं, डायल बोलते हैं। मिनट वाली सुई क्या होती है, मिनट वाली सुई जो होती है घंटे वाली सुई से थोड़ी सी लंबी होती है, उसे मिनट की सुई कहते हैं। और घंटे वाली सुई जो होती है मिनट की सुई से थोड़ी छोटी होती है और मोटी होती है, वो हो जाती है घंटे वाली सुई। और सेकंड की सुई इन तीनों सुइयों की अपेक्षा, दोनों सुइयों की अपेक्षा सबसे बड़ी और पतली होती है, उसे सेकंड की सुई यानी कि सेकंड हैंड्स बोलते हैं। अब समझ लेते हैं कि घड़ी के विषय में कुछ और भी चीजें। आखिर घड़ी है क्या? घड़ी एक हम लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं दीवार घड़ी के बारे में, ज्यादातर जानकारी अच्छे से हम लोग बता सकते हैं कि दीवार घड़ी किस प्रकार की होती है। हमें सर्किल के आकार में ही पढ़ना है, ठीक। तो सर्किल में हम जानते हैं कि सर्किल में पूरा का पूरा सेंटर पर जो डिग्री बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री कब बनेगा, जब कोई चीज, कोई भी सुई यहाँ से चल करके पूरा फिर एक राउंड मार के यहीं पे आ जाए, तो इस दौरान हम कहेंगे कि वो मतलब पूरी की पूरी सुई जो है 360 डिग्री का कोण बना के कंप्लीट अपने फिर से फर्स्ट जहाँ पोजीशन था उस पोजीशन पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम ये डिवाइड कर लेंगे कि इन दो किसी दो निकटवर्ती संख्याओं के बीच जो कि डायल पे अंकित है, डायल पे अंकित किसी दो निकटवर्ती संख्याओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये याद कर लीजिए। संख्याओं के बीच का कोण जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, यानी कि 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का टोटल कोण बनेगा, कितने मिनट की दूरी है, मिनट की दूरी पूछे तो 5 मिनट की दूरी है, और कोण के हिसाब से डिस्टेंस पूछे तो 30 डिग्री का डिस्टेंस है। इस प्रकार से 30 डिग्री आप निकाल सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि 12 × 30 यानी कि 360 डिग्री कोण पूरा का पूरा कहाँ बनता है, सेंटर पर। कोई सुई यहीं से स्टार्ट करके फिर घंटे वाली सुई यहीं पे आ जाए, या फिर मिनट वाली सुई यहाँ से स्टार्ट करके फिर एक राउंड लगा कर यहीं पे आ जाए, तो पूरा का पूरा सेंटर पर कोण बनता है 360 डिग्री। अब क्वेश्चन आता है कि कोण आखिर निकाले कैसे। क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाता है कि 10:20 हो रहा है या फिर 1:15 हो रहे हैं, तो दोनों घड़ी, दोनों मिनट और घंटे के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो कोण कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला देख लें। कोण बराबर 60 × h, ये सॉरी डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस 11 × m/2। बस और कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल से इसी एंगल, इसी ट्रिक के जरिए हम किसी भी सुइयों के बीच, चाहे वो 10:20 हो, 1:20 हो, या कोई भी समय दिया हो, हम आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। तो आइए इससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे आपको दे दिया गया 8:20 पे मिनट यानी कि घंटा और मिनट के सुइयों के बीच का कोण, बीच का एंगल कितना होगा, इसे निकालना है। तो निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया है कि कोण इस कट क्या होता है, 60 × h, डिफरेंस 11
इंटू एम अपॉन टू, इसमें सीधे सीधे रख देंगे, यानी कि 60 गुणे 8 डिफरेंस 11 गुणे मिनट है 20 बटे में 2, तो ये होगा 48 माइनस 11 गुना 22 बटे में 2 इक्वल टू, ये हो गया आपका 60 अच्छा में से 2 गया 2 तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकल के आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि आपसे कह दिया कि 5:10 हो रहा है, 5:10 हो रहा है, तो इनके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो सेम चीज है, कोण के फार्मूला में रख दें, यानी कि 5 × 60 डिफरेंस 11 × 10 अपॉन 2, ठीक, 6×5=30, 300 माइनस 11 धाम में 110 अपॉन 2, यानी कि 0, 10 में से 9 और यहाँ उसके 2 दोनों से 1 गया 1 बटे में 2, यानी कि यहाँ से निकल गया अगे आपका 95 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस का आंसर निकल के आ रहा है। बस एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में आपको रखना है कि 60 × h डिफरेंस 11 × m अपॉन 2, उसी में जैसे जैसे है वैसे वैसे रख देना है, आपको आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो है कि मतलब दिया हुआ रहेगा, मिनट दिया रहेगा, दिया होगा। अगर आपसे सीधे सीधे पूछ दे कि 4 बजे मिनट और घंटे के बीच सुइयों का कितना वो होगा कोण बनेगा, 5 बजे कितना बनेगा, 6 बजे कितना बनेगा, तो इसमें बिना कॉपी और पेन उठाए हुए आप मुंह से ये आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी दो निकटवर्ती अंकों के बीच के डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री होता है। अगर आपसे कह दे कि सीधे सीधे 3 बजा है, तो आप ये जानते हैं कि मिनट वाली जो सुई होगी वो कहाँ होगी, 12 के ऊपर होगी, ठीक, और जो घंटे वाली सुई होगी 3 के ऊपर होगी। तो आप सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप सीधे सीधे कर दीजिएगा 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि 3 बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। वैसे पूछ दे आपको 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा मिनट और घंटे के लिए, तो कुछ नहीं करना है, 4 × 30 कर देना है, 120 डिग्री का कोण देना है। जब अगर मिनट का जिक्र ना हो, डायरेक्ट पूछा जाए 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, कुछ नहीं करना है, जितना बजे पूछे उतना में 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए देखते हैं कि इससे घड़ी से दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसे पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि कोई दीवार घड़ी है या घड़ी है, उसमें अभी वास्तविक समय बज रहा है आपका, मान लीजिए कि 1 बज रहा है, तो दर्पण में देखने पे क्या प्रतीत होगा समय। तो दर्पण में देखने से सीधे सीधे ये प्रतीत होगा कि दर्पण में कंडीशन समझ लीजिए क्या होता है। दर्पण में ये होता है जैसे कि हम अपना ही चेहरा दर्पण में देखते हैं, तो अगर हम अपना दाहिने हाथ में कलम दिखाएं तो दर्पण में आपको दिखेगा कि बाएं हाथ में पेन है, बाएं हाथ में मार्कर है, ठीक है। तो सेम चीज यानी कि इसमें कंडीशन ये होता है कि दाएं वाला चीज बाएं चला जाता है और बाएं वाला दाएं समझ में आता है। इसी प्रकार से ये मान लीजिए कि घड़ी है, इसके दो भाग में डिवाइड किया, यानी कि एक तरफ दाएं और दूसरी तरफ बाएं। अगर घड़ी में रियल टाइम 1 बज रहा होगा तो इमेज टाइम क्या होगा, 11 बज रहा होगा। अगर घड़ी में 2 बज रहा होगा तो इमेज टाइम क्या होगा, ऐसे ही अपोजिट होता चलता है। इसका एक हमने चार्ट बना दिया, यानी कि 1 के अपोजिट 11 होता है, 2 के अपोजिट 10 होता है, 3 के अपोजिट 9 होता है, ऐसे सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए कि घड़ी में 2:20 हो रहा है, ये क्या है, रियल टाइम है, रियल टाइम है, तो इसका इमेज टाइम क्या होगा, इमेज टाइम कैसे निकालते हैं,
ये तो आपको पता चलेगा, ऐसे घड़ी का फिगर बना बना के हम एग्जाम में करने लगे तो क्लियर होगा, एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा, इतना टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए भी एक शॉर्ट मेथड यूज करते हैं और वो मेथड सीधे सीधे 1160 में से जो भी टाइम है उसे घटा देते हैं, जो भी रियल टाइम है उसे घटा देंगे तो इससे आपका इमेज टाइम निकल जाएगा। यानी कि 2:20 हो रहा है, इसका इमेज टाइम निकालना है। इमेज टाइम क्या होगा, यानी कि दर्पण में कितना प्रतीत होगा, तो दर्पण में कितना प्रतीत होगा 1160 में से 2:20 को घटा देंगे, यानी कि यहाँ हो गया 40 और यहाँ 11 में से 2 चला गया तो हो गया 9। दर्पण में क्या प्रतीत होगा, दर्पण में 9:40 आपको प्रतीत होगा। तो इस प्रकार से हम और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि रियल टाइम या इमेज टाइम दोनों कोई अंतर नहीं होता, इमेज टाइम भी अगर पानी में आपको दिख रहा हो कि 2:20 है तो रियल टाइम कितना होगा, तो रियल टाइम आपका ये ही हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक ही चीज यूज करना है कि 1160 में से जो भी टाइम दिया रहेगा, चाहे वो रियल टाइम हो या फिर इमेज टाइम हो, उसको घटा देते हैं, जो बचता है वही क्या होता है, दर्पण का प्रतिबिंब होता है या फिर रियल टाइम होता है। अगर मान लीजिए कि आपको दर्पण का प्रतिबिंब दिया है, दर्पण में जो टाइम दिया है वो प्रतीत हो रहा है आपको 5:40, 5:40 हो रहा है, तो इसका रियल टाइम क्या होगा। तो रियल टाइम निकालने के लिए भी वही चीज है, सेम फार्मूला का यूज करेंगे। सेम फार्मूला मतलब इसको पूरा 1160 में से घटा देंगे। अब इसको घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये हो गया 20 और ये हो गया 6, यानी कि 6:20 आपका ये टाइम होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से दर्पण प्रतिबिंब को निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन इससे आता है जल प्रतिबिंब का, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताने का, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे मेथड बता रहा हूँ जिसे आप आसानी से क्वेश्चन देखते देखते ही आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अब इसका थर्ड क्वेश्चन जो बनता है, समतल दर्पण यानी कि जल प्रतिबिंब, अगर दर्पण को ऐसे रख दिया जाए तो ये क्या करता है, ये वाटर की तरह काम करने लगता है, यानी कि पानी की तरह काम करने लगता है। यदि मान लीजिए यहाँ ऊपर घड़ी है, यहाँ अगर 1 बज रहा है तो इस पानी में कितना बजेगा, ये सारी चीजें कैसे निकाली जाती है ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक। जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल मतलब लिखा है कि समतल दर्पण हॉरिजॉन्टल मिरर, और इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो जो दर्पण रखा जा रहा था, वो दर्पण कैसे रखा जा रहा था, लंबवत रखा जा रहा था। उस केस में क्या होता था कि दाएं वाला चीज बाएं शो करता था और बायां वाला दाएं की तरफ प्रतीत होता था, लेकिन इसमें कंडीशन सेम उल्टा हो जाता है। इसमें ये होता है कि दाया और बाया सेम चीज रहता है, दाया बाया सेम चीज रहता है। इसमें क्रम क्या होता है, ऊपर और नीचे वाला, यानी कि जो ऊपर चीज है वो नीचे प्रतीत होगा और नीचे वाला ऊपर प्रतीत होगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्वेश्चन जैसे पूछ दिया गया कि 2:20 हो रहा है घड़ी में, तो पानी में इसे देखेंगे तो वाटर इमेज इसका क्या बनेगा, वाटर इमेज इसका क्या बनेगा। इसके लिए बेहतरीन और सबसे आसान तरीका ये है, बस कुछ नहीं करना है आपको, 18:30 या फिर 18:90 में से जो भी टाइम दिया रहेगा उसे घटा देते हैं और जो आता है वही हमारा दर्पण जल प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि अगर 2:20 हो रहा है तो हमें निकालना है कि जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो सीधे सीधे 2:20 इसमें से हम घटा देंगे, यानी कि हो गया यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो गया 18 में से जो गए 16, यानी कि 12 और 4 कितना होगा 16, 4:10 पानी में समय कितना दिया है प्रतीत होगा 4:10, यानी कि यहाँ से 18 में से 2 गो है 16, और जैसे भी जानते हैं कि हम लोग घड़ी में 12 से प्लस जो भी आता है उसमें जोड़ के होते हैं, यानी कि 12 और 4 16 होता है, यानी कि 4:10। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर इस ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब मिनट देख लेते हैं कि 30 से मिनट के वो जो है कम है कि नहीं, अगर 30 से ज्यादा होगा मिनट तो अब हम उसे लास्ट इसमें 18:90 में से घटाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं कि 5:45 हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 5:45 हो रहा है क्योंकि यहाँ 45 है और यहाँ क्या है 30 है, तो इसमें से तो घटेगा नहीं, तो आपके लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 18:90 में से 5:30 को घटाना पड़ेगा, ठीक। तो यही जो निकल के आएगा ये हमारा वाटर इमेज कहलाएगा, और इस वाटर इमेज यही होगा, यानी कि 90 में
ठीक, यानी कि जब देख लेते हैं कि ये मिनट वाली जो है 30 से ऊपर है तो इस स्थिति में क्या करते हैं 1890 में से जो भी रियल टाइम होता है उसे घटा देते हैं, जो भी आएगा वो आपका वाटर इमेज, वही वाटर इमेज होगा। यानी कि 1890 में से 5:45 घटाएंगे तो क्या होगा 13:45। 13:45 का मतलब क्या होता है 12+1 यानी कि 1:45। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मेथड बिल्कुल आसान तरीका है, दो ही मेथड यूज करना है बस। इसमें देखना, ये देखने वाली बात यह है कि अगर मिनट जो है 30 से कम है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मिनट की संख्या जो है इससे अधिक है, 30 से अधिक है, उसमें 1890 यूज करेंगे। बस यही दो फॉर्मूला वाटर इमेज के लगाना है। तो हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। कोण इज इक्वल टू 60h - 11m/2। ये क्या होता है, डिफरेंस का साइन है, ये डिफरेंस का साइन है। और सम दर्पण प्रतिबिंब के लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए यानी कि दर्पण जब क्या हो वर्टिकल हो तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है 11th 60 में से जो भी टाइम होता है उसे घटा देते हैं, 1160 में से जो भी टाइम होता है उसे घटा देते हैं। यानी कि 1160 माइनस रियल टाइम इसका टू क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब हो जाता है। और वाटर इमेज के लिए, वाटर इमेज के लिए आपका एक ही फॉर्मूला है 1830 या फिर 1890 में से जो भी रियल टाइम होगा उसे घटा देते हैं। तो इस प्रकार से घड़ी से जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इस पे फोकस करना है। सारी चीजें हमने अच्छे तरीके से आपको बताया है, यही कंसेप्ट को रख के हमने कुछ एग्जाम में जाना है और क्वेश्चन को आसानी से देखते ही उड़ा देना है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।